गाइस कैसे हैं आप सब। एक नया दिन और एक नई जर्नी। आज फिर हम शाम को थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर निकले हैं। आज हम लोग, ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, शकरगढ़ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं और शकरगढ़ की जो लैंड है वो देखने के लिए निकले हैं। यहाँ पर आजकल गंदम का सीज़न है, गर्मियाँ वगैरह चल रही हैं और गंदम की कटाई हो रही है। पीछे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि गंदम की कटाई हो रही है और कुछ लोगों ने गंदम की कटाई कर ली है। और अब ये इसको देखें, इधर आग वगैरह लगा दी इन्होंने, अपनी ज़मीनों में आग लगा दी है। इसका भी ये है कि जब गंदम की कटाई कर लेते हैं तो फिर इस पे आग वगैरह लगा देते हैं। ये भी हम लोग जाने लगे हैं चात्री वाली साइड पे, आज जाने लगे हैं। गढ़ में जो है दीनपुर के साथ ये चात्री है, तो काफ़ी यहाँ पे चात्री काफ़ी मशहूर जगह है। ये भी हम लोग चात्री वाली साइड पर आ गए हैं और यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर किसी परिंदे का शिकार हो चुका है। ये नाला बही है सारा। अब ये रास्ता, यहाँ पे छोटी सी कश्ती है, इस रास्ते को गाँव को क्रॉस करने के लिए नाला बहीं से चात्री वाला जो गाँव है उस तरफ जाने के लिए छोटी सी यहाँ पे कश्ती चलती है। ये रेत में परिंदों के फुटस्टेप में जी, इस तरफ सारी एग्रीकल्चर लैंड है जी और इस तरफ नाला बहीं है और उस तरफ गाँव है जी चात्री सा। इधर इस तरफ सारी जो चात्री गाँव है वहाँ पर अबाबील का घोंसले हैं जी। इस तरफ ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अबाबील के घोंसले हैं छोटे छोटे। और इस चात्री गाँव के बारे में कहा जाता है कि कटाव जब बहीं नाला बहीं के अंदर पानी आता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गाँव ये बह चुके हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कटाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा घर यहाँ पे डैमेज हुए थे। इस तरफ लोगों के कच्चे मकान भी हैं काफ़ी ज़्यादा, अभी तो मकान काफ़ी ख़त्म हो गया लेकिन गाँव में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस तरफ ये गाँव जो आपको घर जो नज़र आ रही हैं सारे मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ पे अभी हम एक थोड़ा सा चैलेंज करने लगे हैं, पत्थर फेंकेंगे, देखेंगे किसका पत्थर ज़्यादा दूर जाएगा। तो ये अरम का पत्थर गया जी, एनी वनी दूर जाना अरम का अभी अभी अरम का सबसे दूर है। वैसे तुम भी ट्राई करो यार, अगले करा लग गई पैसे फेंकने लगा जी पत्थर, अगले करा मट्टी का ये पत्थर है, देखते कहां तक जाता है। मार सकना तू, तेरा भरा तीन चार हो गए नहीं। फैसल जीत गया जी, फैसल जीत गया। हम लोग अभी जंगल की तरफ आ गए हैं। ये एक छोटा सा जंगल जो कि इंसानों ने खुद उगाया है, नेचुरल जंगल नहीं है। तो अभी इस जंगल की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि आप जंगल चेक करें। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जंगल काफ़ी हरा भरा है यहाँ पर, आप चेक, जंगल काफ़ी थोड़ा सा घना है इसलिए इस तरफ नहीं जाएंगे हम। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नेचुरल हैं, आप मॉर्निंग वॉक यहाँ पे कर सकते हो, सुबह के वक्त सैर के लिए बहुत अच्छा ये जगह है ये वाली। अभी पेट्रोल डलवा के अभी हम लोग घर जाने लगे हैं, रोजे का टाइम हो गया। तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आप सब हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आपके सपोर्ट और लव का शुक्रिया।